what it's like to be in love with me. Make a little morning love, cause I like it. I'm very excited for the new kids, all of them, and I wish them the best. Wish you the best, and God bless them. Thank you. Just mehnat karo and just wait and watch what happens. Every film is a stepping stone forward, so just work hard. Bobby sir is, of course, one of the finest actors, but even a greater human being, and I have so much love and respect for the whole Deol family. So we're very blessed that Bobby sir has come here, and especially now after Bobby sir has connected with the youth like he has in Animal. I think I watched the film 4 times in the theaters, and every time he came on screen, I was whistling. He could hear me, but he couldn't speak. So. Too much love, too much respect. The most wonderful family in our film industry. Thank you so much. Thank you. I'm very excited for the new kids, all of them, and I wish them the best. Wish you the best. And God bless them. Thank you. Just mehnat karo and just wait and watch what happens. Every film is a stepping stone forward, so just work hard. You know, Bobby sir is, of course, one of the finest actors, but even a greater human being, and I have so much love and respect for the whole Deol family, so we're very blessed that Bobby sir has come here, and especially now after Bobby sir has connected with the youth like he has in Animal. I think I watched the film 4 times in the theaters, and every time he came on screen, I was whistling. He could hear me, but he couldn't speak. So, too much love, too much respect. The most wonderful family in our film industry. Thank you so much. ट्रेलर देखी है, बहुत पावरफुल लगी, बहुत इमोशनल लगी, और परफॉर्मेंसेस भी बहुत ज़बरदस्त लगे. आई एम श्योर कहानी भी ज़बरदस्त होगी, एंड इट्स गोना बी अ गुड फिल्म, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग इट. थैंक यू. कहना चाहूँगा कि पेंड तो PVR तक का सफ़र मतलब बहुत वधिया रहा, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. आज दशमी का प्रीमियर है, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए. आई एम वेरी वेरी यू नो इमोशनल राइट नाउ. सो हाँ जी, मेरी दादी का सपना तो मतलब आज नहीं कल पूरा होगा. कल 19 तारीख है, कल हमारी पिक्चर रिलीज़ हो रही है, और जब मेरी दादी देखेंगी ये पिक्चर को, तो मुझे बस वही वो चेहरे की वो चमक जो है ना, जो आँखों की, बस वो देखनी है. उससे ज़्यादा कुछ और चाहिए नहीं. बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं फिल्म को लेके. जो ट्रेलर जो हमने आउट किया था, ट्रेलर को लेके बहुत सारे लोगों के मैसेजेज आए. इनफैक्ट जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ ऑलरेडी, जो मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया. तो बस ये अप्रिसिएशन के लिए ही भूख थी, और वो आज पूरी हुई. बॉबी सर आए हमारी फिल्म के प्रीमियर के लिए, मतलब उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ और हो नहीं सकती, क्योंकि बॉबी देओल इज़ सच अ ग्रेट नेम, एंड उन्होंने अगर 10 मिनट भी अपने रिमूव किए हमारी फिल्म के प्रीमियर के लिए, तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी बात है. तो उनका थैंक यू सो मच. मेरे मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ. मेरे फ्रेंड ने मुझे यहाँ बुलाया, एंड आई एम रियली एक्साइटेड. आई हैव कम ऑन हिज रिक्वेस्ट, एंड आई रियली वांट टू सी
what this film is doing. मैंने अभी तक देखी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने ट्रेलर भी कुछ वगैरह कुछ भी नहीं देखा. I really want to see what this film holds. So yeah, there I am for. रिस्पॉन्स सबको पता है, रिस्पॉन्स इज सो पावरफुल, सो ग्रेट. फिल्म हैज़ डन सो वेल और मुझे बहुत काम मिल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है. क्या यह बहुत बोल दिया गया है फिल्म के बारे में और सारी दुनिया जानती है अब कि फिल्म हैज़ डन वेल, इट्स डूइंग वेल एंड यू कैन स्टिल गो. अब तो 100 रुपये की टिकट हो गई है. थैंक यू. नहीं, कभी भी नहीं लगा था, कभी भी नहीं लगा था कि इतना बड़ा जादू हो जाएगा और इतनी बड़ी फिल्म हो जाएगी कि और मतलब मेरे काम को भी इतना सराहा जाएगा, ये नहीं पता था. और सबका काम इतना बढ़िया, सब सारे कैरेक्टर्स हैव कम अप एंड दैट्स द पावर ऑफ अ ग्रेट फिल्म एंड ग्रेट डायरेक्टर. मेरे पास अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर सुनने में आया कि अभी टाइम है उसमें. नमस्ते, थैंक यू. बॉबी सर, लॉर्ड बॉबी जिन्हें हम सब कहते हैं प्यार से, सर आए, हमें अपना आशीर्वाद या अपना बेस्ट विशेस दिया है. आई थिंक इट्स अ प्लेजर. उन्होंने अपने प्रेजेंस के साथ हम सबको ग्रेस किया. आई थिंक दशमी की शुरुआत बहुत बहुत बेहतरीन हुई है. आई होप कि हमने जितनी मेहनत की है आप सब तक वो पहुँचे एंड आप सबको ये फिल्म बहुत पसंद आए. थैंक यू सो मच to all of you for coming here. It's a delight to see everybody here. मैं अपने आप को पहली बार बड़े पर्दे पर देखने वाली हूँ, तो goosebumps आ रहे हैं मुझे. Excitement बहुत ज़ोरों शोरों से है, थोड़ा nervousness भी है, लेकिन अभी बॉबी सर से मिलकर आई थिंक एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिली है एंड आई थिंक आई कैन totally feel it in the air, lots of love and positivity. So I would love to watch the film and see myself the first time on this big screen. And yeah, that's about it. Audience ko main yehi kehna chahungi, firstly thank you so much. Ab tak jitna bhi aap logon ne pyar diya uske liye bahut bahut dhanyawad. Trailer par hamare gaano par itna pyar, itne pyare pyare reviews and comments padhne ko mil rahe hain. दिल खुश हो जाता है ये सब देखकर एंड हम जैसे नए लोगों को आपने मौका दिया. आई रियली होप कि आप ये पिक्चर देखें, कुछ सीखें और अपने हम जितने कोशिश में हैं आपके दिल से जुड़ने का वो हो सके. सो काफ़ी एक्साइटमेंट है, पहले दिन से थी वही है और उम्मीद है कि हम हिंदुस्तान को जगाने की कोशिश जो कर रहे हैं उसमें कामयाब हो जाएंगे और लोग हमारी फिल्म को पसंद करें. सर एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि शांतनु सर ने एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली फिल्म बनाई है. इस फिल्म का जब मैंने स्क्रिप्ट सुना तभी मैं पागल हो गया था. मैंने बोला कि ये फिल्म करनी होगी वरना मुझे रात को नींद नहीं आएगी. मैंने सर को यही बताया कि कुछ फिल्में हैं जो आप एक क्लेवर माइंड से करते हो, कुछ चीज़ें आप एकदम प्योर माइंड से करते हो. ये फिल्म मैंने उतनी प्योरिटी से की है ये मैं मानता हूँ, क्योंकि इस फिल्म की जो स्टोरी है वो हीरो है. इस फिल्म में सबसे बड़ा हीरो फिल्म की स्टोरी है, उसके बाद सेकंड नंबर पे सर है, उसके बाद हम सारे कास्ट मेंबर्स. सर बॉबी सर आए, यही हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि सिर्फ ट्रेलर पे इम्प्रेस होकर उन्होंने यहाँ पर आना कबूल किया. अगर इतने बड़े दिग्गज अगर ट्रेलर देखकर हमारी फिल्म को ब्लेस करने के लिए यहाँ तक आ गए तो हमने कई हद तक इंडस्ट्री के दिग्गजों का दिल जीतने में कामयाब हुए ऐसा मैं मानता हूँ. सर आई टेल यू वन थिंग, बॉबी सर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बींग्स नॉट ओनली इन द फिल्म इंडस्ट्री बट इन द वर्ल्ड. मुझे लगता है कि बॉबी सर जैसे इंसान इस दुनिया में बहुत कम है. मैं बहुत छोटा सा था, पहली मरतबा बॉबी सर से मुलाकात हुई थी और बॉबी सर ने मुझे इतना प्यार दिया
और मेरे घर पे मेरे सामने इतने उन्होंने रसगुल्ले खाए, मुझे याद है वो रसगुल्ले खाते थे, मुझे खिलाते थे। और हमारा जो एक प्यार भरा सिलसिला है वो कई बरसों से चलता आ रहा है। आई हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर हिम, ही शोड सो मच लव टू द फिल्म। वो यहाँ मेरे लिए या शांतनु सर के लिए नहीं, वो इस फिल्म के लिए आए हैं। इस फिल्म का ट्रेलर उनको बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, एंड वी आर रियली रियली हैप्पी दैट दे कुड कम एंड ब्लेस मी। टू मच लव फॉर बॉबी सर, ही हैज माय हार्ट, थैंक यू। मैं सच्ची में बताऊं, मैं ये फिल्म सिर्फ सर के ड्रीम को पूरा होते हुए देख रही हूँ, क्योंकि मुझे याद है द फर्स्ट डे आई गेव द ही गेव द नरेशन, मैं पूरी फिल्म देख पाई थी उस दिन, और उसको सच होते हुए देख के मुझे पता है कि सर के लिए इट इज अ वेरी बिग डे, एंड आई एम लिटरली हियर टू सपोर्ट हिम, एंड आई एम रियली ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अनफॉर्चुनेटली हम एक कोई सीन शेयर नहीं कर पाए, बट मैं रिहर्सल्स में हमारे जब वर्कशॉप्स होते थे देखती थी, माई गॉड द पैशन एंड द अमाउंट ऑफ डेडिकेशन द सिंसियरिटी। बट शी इज सेइंग दैट, मैं कहूँगा कि जब हम रीडिंग्स करते थे, मैं आपको इनके कमिटमेंट के बारे में एक चीज़ बताता हूँ। हम गोवा गए थे एक वर्कशॉप के लिए, वो वर्कशॉप दो दिन तीन दिन का था, तीन दिन का वर्कशॉप था, सिर्फ एक एक स्लॉट था जहाँ पे वी वर एक्सपेक्टिंग हर टू कम, बट सर सेड यार एक ही स्लॉट है उनकी रीडिंग्स के लिए, वो नहीं आएंगे अगर तो कोई बात नहीं यार, बेचारे इतने ट्रैवल क्यों करें। शी केम टू गोवा जस्ट फॉर दैट वन आवर, दैट इज हर कमिटमेंट, सो हैट्स ऑफ टू हर, अ ट्रू प्रोफेशनल एंड अ ट्रू फ्रेंड। सपना पूरा होता है देखते हुए तो बहुत अच्छा लगता है, और एक खुले आंखों से सच्चे दिल से देखा हुआ सपना है और वो पूरा होते ही जा रहा है, तो इससे बड़ी खुशी और कोई हो ही नहीं सकती। थैंक यू। दशमी बहुत ही शुभ अवसर पे ये फिल्म आ रही है, हमारे राम जी भी आ रहे हैं, और ऐसे सारे जो गुनाहगार लोग हैं उन लोगों को सजा देने के लिए, और हमारे शांतनु जी ने ये फिल्म बनाई है, बहुत ज़बरदस्त मूवी है, आप सभी लोग देखें, बहुत ही बहुत शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इस फिल्म का मैं भी हिस्सा हूँ, धन्यवाद। फर्स्ट हाफ देखा है, अभी जो इंटरवल हुआ है, बहुत अच्छी लग रही है फिल्म, अच्छा टॉपिक है, आई थिंक इस टॉपिक के ऊपर जितनी ज़्यादा बात की जाए वो कम ही है, एंड पिक्चर में एक डायलॉग है कि हम पुराने रावण को यू नो पुराने तरीके से क्यों मार रहे हैं, आजकल के बहुत नए रावण आ गए हैं यू नो विद न्यू टेक्नोलॉजी, तो आई थिंक नए रावणों को नए तरीके से मारने की बात की जा रही है, जो कि बहुत अच्छी है, अच्छी लग रही है मुझे फिल्म। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेकेंड हाफ। जी जी, आई एम वेरी हैप्पी, मुझे लग रहा है मैं क्या, आई थिंक हर हिंदुस्तानी बहुत खुश है इस बात को लेकर, एवरी इंडियन इज़ प्रिटी हैप्पी, एंड मैं चाहूँगी, मैं देखना चाहूँगी लाइव, अगर मैं वहाँ जा पाई तो लाइव, अदरवाइज मैं देखना चाहूँगी।